आपके सामने इस वक्त टोयोटा क्रोला इंडस 1996 मॉडल है और ब्लैक कलर में ये गाड़ी यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में आपको टोयोटा क्रोला 1996 मॉडल का डिटेल्ड रिव्यू दिया जाएगा। ये बेसिकली पाकिस्तान असेंबल्ड कार है जो कि इंडस में आती है। टोयोटा क्रोला इंडस 1996 मॉडल है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस गाड़ी का डिटेल्ड रिव्यू दिया जाएगा, आपको गाड़ी का एक्सटीरियर दिखाऊंगा और इंटीरियर दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन सही तरीके से मिल सके और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल सके और गाड़ी की तमाम तर चीज़ें आपको समझ आ सकें, क्योंकि ये गाड़ी फॉर सेल है। तो लास्ट में आपको इसकी प्राइस भी बताई जाएगी और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो फ्रंट से आप इस गाड़ी की लुक देख लें और बैक से भी मैं आपको इसकी लुक दिखा देता हूँ। टोयोटा क्रोला इंडस 1996 का मॉडल है। बैक साइड से भी आप इसकी लुक वगैरह देख लें। तो चलिए आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं। ओके गाइस, तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। पहले मैं आपको फ्रंट से अगर इस गाड़ी की लाइट्स दिखाऊं तो यहाँ पर हैलोजन लैंप्स हैं इसकी लाइट्स के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी हाई बीम और लो बीम दोनों हैलोजन लैंप्स में मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल मिलेगा हैलोजन लैंप में। इसकी पार्किंग लाइट्स भी हैलोजन लैंप्स में दी जाती हैं। और यहाँ पर बॉडी कलर में इसका बम्पर है, फ्रंट ग्रिल ब्लैक कलर की प्लास्टिक में है और आपको इस पर टोयोटा का लोगो मिलता है। बाकी आप इसकी विंडस्क्रीन और वाइपर्स वगैरह भी देख लें। फेंडर के ऊपर आपको टर्न सिग्नल नहीं मिलेगा, इसका टर्न सिग्नल यहाँ पर आपको इसके अंदर इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल दिया जाता है। ब्लैक कलर के प्लास्टिक में साइड व्यू मिरर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड साइड व्यू मिरर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर इसके ए पिलर के ऊपर आपको एंटीना मिल जाएगा। रेन वॉइजर्स प्री इंस्टॉल्ड हैं और इसके डोर्स जो हैं ये बेसिकली बॉडी कलर में इसके डोर हैंडल्स आते हैं और फ्रंट डोर के ऊपर आपको की होल की ऑप्शन मिल जाएगी। आपको इसमें अलॉय व्हील्स प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे और फ्रंट पर आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिल जाएगी और इस गाड़ी की बैक साइड पर आपको ड्रम ब्रेक की ऑप्शन मिलेगी। और अगर इसके टायर साइज़ की बात की जाए 185/70 इसका टायर साइज़ है और 14 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं। बाकी आप टायर्स वगैरह की कंडीशन भी देख लें। रियर विंडस्क्रीन डीफोगर के साथ मिलेगी और उसके अलावा इसकी बैक साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको टोयोटा लिखा हुआ मिलेगा, मिड में क्रोला है लिखा हुआ, टोयोटा का लोगो मिलेगा। बैक पर तमाम लाइट्स हैलोजन लैंप्स में आती हैं, इसका टर्न सिग्नल, ब्रेक लैंप और रिवर्स लैंप आपको हैलोजन लैंप में मिल जाएंगे। और इसका जो रियर बम्पर है ये बॉडी कलर में आता है और रिफ्लेक्टर्स की ऑप्शन नहीं मिलती। और इस गाड़ी में आपको रियर व्यू कैमरा प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको मड फ्लैप्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। तो चलिए आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं। इसके डोर के ऊपर सिर्फ ब्लैक कलर मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है, विंडो को अप एंड डाउन करने के लिए मैन्युअली हैंडल्स दिए गए हैं, ब्लैक कलर का डोर लैच है और इसके डोर के ऊपर आपको एक स्पीकर मिलेगा। नॉन एडजस्टेबल टू स्पोक स्टेयरिंग दिया जाता है जो कि पावर स्टेयरिंग व्हील होता है और उसके अलावा रैक एंड पिनियन इसका स्टेयरिंग व्हील है। यहाँ पर सॉफ्ट प्लास्टिक इसके मटेरियल के लिए यूज़ की जाती है, टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। उसके अलावा इस तरफ एयरवेंट है और साइड व्यू मिरर्स की एडजस्टमेंट है। नीचे आपको कोई ख़ास ऑप्शन नहीं मिलेगा। और इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ट्रंक रिलीज और फ्यूल लिड ओपनर मिल जाता है। पर दो एयरवेंट्स मिलते हैं, एक ड्राइवर के लिए और एक पैसेंजर के लिए।
आपको डिजिटल क्लॉक की ऑप्शन मिलेगी, यहाँ पर हैजर्ड लाइट कंट्रोल स्विच है और ये डिफॉगर को ऑन और ऑफ करने के लिए बटन है, ऑडियो सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड है, उसके अलावा ये इसके मैन्युअली एसी और हीटर के कंट्रोल्स हैं और यहाँ नीचे आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट टाइप जगह दी गई है। 5-speed फॉरवर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन है, मैनुअली कंट्रोल्ड पार्किंग ब्रेक इसमें आपको दी गई है, उसके अलावा आपको एक एयर वेंट पैसेंजर के लिए मिलता है, यहाँ पर ग्लव बॉक्स मिलता है और फ्रंट पर पैसेंजर डोर की कंडीशन भी देख लें आप, सेम ऑप्शंस हैं इसके फ्रंट पैसेंजर डोर के ऊपर भी। उसके अलावा यहाँ पर आपको सनशेड्स मिलेंगे और फ्रंट पर दोनों सनशेड्स के ऊपर आपको मिरर की ऑप्शन नहीं मिलती, कैबिन रियर व्यू मिरर है। उसके अलावा यहाँ आपको एक बैक साइड पर एक लैंप मिल जाएगा। फ्रंट पर दोनों सीट्स हेडरेस्ट की ऑप्शन के साथ आती हैं और बैक सीट्स पर आपको हेडरेस्ट की ऑप्शन नहीं मिलेगी और बैक साइड पर भी फैब्रिक सीट्स आती हैं बट इसकी बैक सीट्स पर भी लेदर रैप कराया गया है। बाकी अगर इसके पैसेंजर डोर की बात की जाए बैक साइड पर तो इस तरीके से इसके रियर पैसेंजर डोर की डिज़ाइनिंग की गई है। लाइट्स ऑन करके दिखा देते हैं। तो गाइज़ आप इसका इंजन वगैरह भी देख लें, तो ये था आज का टोयोटा करोला इंडस 1996 मॉडल का डिटेल रिव्यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट में अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस की बात करूँ तो 6,50,000 रुपये इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। तो अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर दिया गया, आप कॉल करके बाकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।